एक तो होता है ना कि थोड़ा सा कीड़ा होता है, मेरे में मुझे लगता है पूरा कीड़ा था टिकटॉक। पूरी दुनिया के अंदर एक वीडियो वायरल हुई, जो मुनफरिद बात ये थी, ये बंदा जो है वो सरकारी मुलाजिम है, इसलिए ऐसी बेगम मिली। कोई गाड़ी नहीं है, कोई डाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। किस तरह से इनकी किस्मत खुली और हमारी भाभी की किस्मत जो है वो कैसे इतनी माठी हो गई। तो फिर भाभी को भी दाना डालते रहे आप। 10 बजे मैंने ना अपलोड की ये वीडियो जो हमारी काफी ज्यादा वायरल गई है, तो मैंने सुबह उठ के देखा तो इस पे एकदम से ना काफी ज्यादा वो व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए मेरे असलान को का। असलान भाई की परवाह नहीं करती है, ये निकल गई है भाभी। स्लो इनको मैं कहती थी ना शुरू में, स्लो इनका साबुन बहुत स्लो है। मेरी सास ने मुझे एक टोटका बताया, क्योंकि ये जो है ना आप इनको देख रहे हैं कि बड़ा अच्छे हैं ये, अच्छे तो माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन कभी कभी ये ना गुस्सा ज्यादा मेरे हस्बैंड कहते हैं घर बैठो, औरत को पर्दे में रखना चाहिए, बीवी को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। इतनी सोनी बुड्ढी की तो लफा गाने में गिर गई था। तुम्हें कोई मिल गया था? मैंने कहा मुझे कोई नहीं मिल सकता। ये आखिरी है बस, है ना, ये शादी है कि अच्छी है। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं नियो। आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो की मीम्स भी बहुत ज्यादा बननी शुरू हो गई। उसमें जो मुनफरिद बात ये थी कि एक मेरे जैसे ही जो है वो अरसलान भाई थे उसके उसमें, और हमारी भाभी जो थी अदन वो साथ थी, और अरसलान भाई को लोग ये कह रहे थे जी कि ये भाई या तो ये बंदा जो है वो सरकारी मुलाजिम है, इसलिए ऐसी बेगम मिली। भाभी हमारी वैसी बड़ी खूबसूरत है, और कोई ये लिख रहा जी कि ये बंदा वकील है, कोई ये लिख रहा है जी इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इस पर हमने सोचा कि क्यों ना इनसे खुद बात की जाए। वैसे तो मेरे गिराई हैं ये, और जब मैंने इनसे रब्ता किया तो भाभी भी बड़ी खुश हुई, ये भी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा चलो जी सबसे पहले हम नुमान को इंटरव्यू देते हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरह से इनकी किस्मत खुली और हमारी भाभी की किस्मत जो है वो कैसे इतनी माठी हो गई कि इनको मेरे जैसा जो है ना वो दूल्हा मिल गया। तो ये बात करेंगे इनके साथ। सबसे पहले अरसलान भाई से पूछते हैं, अरसलान भाई कितना अरसा आप जो है वो दाने खिलाते रहे हैं, तो आपको परिंदों ने दुआ दी और भाभी जैसी आपको शरबत उनको पिलाते रहे हैं। मैं असल में वो कमेंट था ना कि ये भाई जो है ना परिंदों को दाना खिलाते हैं और गर्मियों में दूध सोडा परिंदों को पिलाते रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि मैं ना काफी टाइम से ना जानवरों का ये 10 साल से ना मैं दाने तो डाल रहा हूँ, ये किसी ने कमेंट बिल्कुल ठीक किया। सोडे वाली बात नहीं ठीक, तो वो परिंदे सोडा नहीं पीते ना, तो लेकिन ये कि मैं काफी टाइम से ना ये दूसरों लोगों की मदद कर देना, जानवरों को खाना खिलाना, परिंदों को दाना डालना, किसी ने बिल्कुल ये वाला कमेंट बिल्कुल ठीक किया था। अच्छा, तो फिर भाभी को भी दाना डालते रहे आप? नहीं दाना तो नहीं डालता रहा, बस ये वो हमारी किस्मत थी कि हम एक इलाके से थे, ये भी कोटा की है, मैं भी कोटा का हूँ। अच्छा, तो इस तरह से फिर हमारी शादी हो गई। वाह जी वाह। कैसे मुलाकात हुई भाभी से? वो इस तरह आपने कान अपने बंद कर लेने, मैं आपसे पूछूंगा बाद में। वो असल में इस तरह हुआ था कि हमारे कोई एक अंकल थे जानने वाले, तो वो भी कोटा के थे, तो उन्होंने रिश्ता करवाया था ये। अच्छा, हाँ जी। तो पहले इन्होंने इनकार कर दिया था? नहीं इनकार तो नहीं किया था, लेकिन ये था कि हमारी बात तकरीबन एक महीना जो है ना वो रिश्ते की बात चल रही थी, कभी की मतलब के और जगहों से भी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन ये वाला जो रिश्ता था वो तो फिर हमारी फैमिली वालों ने भी कहा कि ये रिश्ता ठीक है, मैंने भी कहा कि ये ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये अरसान भी है वैसे खूबसूरत ही है, ठीक है। भाभी ने जो है ना वो लगाया होगा किसी फिल्टर के ऊपर, फिर उसके ऊपर बाल लगाए होंगे, फिर ये सोचा होगा था। ये जैसे कह रहे हैं ना कि आपने कहा आपने नहा कर दी, इन्होंने हालांकि शुरू में कहा था भी घर वालों को मैं सोचूंगा, फिर जब इन्होंने पिक्चर देखी, जब इन्होंने कहा देखता हूँ कोई खामी शायद निकल आए, जब पूरी पिक्चर देखी इसमें कोई खामी नहीं है, तो फिर इन्होंने मजाक इनका घर वालों ने बनाया, फिर जब इन्होंने हाँ कर दी तो उन्होंने घर वाले इनको कहते अब सोचूंगा, अब सोचो ना, कहते नहीं नहीं अब तो पसंद आ गई, लड़की को ना एक दफा ना देख लो। अच्छा, तो वो फिर मैंने एक दफा देखा, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये, तो फिर मैंने कहा ठीक है ठीक है। वैसे करते क्या आप असन भाई? मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूं। ये फ्रीलांसिंग का काम करते हैं जी, ये कोई कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ना कोई वकील है, ना कोई बिजनेसमैन है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई डाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम मिडिल क्लास सादे से लोग हैं, बस लोगों ने काफी कमेंट्स कर दिए, डाला है, गाड़ी है, हर हफ्ते दोस्तों को ट्रीट देते वो भी नहीं देता, हाँ, मैं हर हफ्ते नहीं देता। आईफोन है वैसे, आईफोन ले लिया भाभी ने, वो तो बस मेरा शौक था तो मैंने ले लिया। अच्छा, व्लॉगिंग वगैरह करती हैं अब तो ना? हाँ जी माशाल्लाह व्लॉगिंग करती हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, अब इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी बनाया है मैंने। आज तक जब मुझे लगा लोग फेसबुक से फायदा उठा रहे हैं तो मेरा बन के, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी उठाऊं, मैं भी बना लूं। आइडिया किसका था ये वीडियोस बनाने का? ये असल में मुझे ना शुरू से बहुत क्रेजिंग थी, एक तो होता है ना कि थोड़ा सा कीड़ा होता है मेरे में, मुझे लगता है पूरा कीड़ा था टिकटॉक का, तो मैं 4 साल से
बना रही थी वीडियो, पर मैं ना लॉक में रख रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं, वो पेरेंट्स इजाजत नहीं देते कि रिश्ता का इशू हो जाएगा, लड़की है। हमारा माशरा भी ऐसे ही है ना, लोग गलत उससे सोचते हैं। मैं 4 साल से बना रही लेकिन प्राइवेट रख रही, रोज वीडियो बनाती। मैं कहती किसी ना किसी दिन तो पब्लिक करूंगी करूंगी मैं। जब शादी हुई इनसे तो मैंने इनसे पूछा रिश्ता होगा, मैंने कहा मैं कर लूँ पब्लिक। मुझे मेरे ना 3 ख्वाहिशें हैं, एक आईफोन लेने की, एक टिकटॉकर बनने की और एक दुबई जाने की। तो पूरी हो चुकी है मेरी, दुबई जाने की इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बस आप की दुआओं से तो आप मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हो जाऊंगी मैं। तो उसके बाद फिर मैंने इनका इनको इन्होंने कहा ठीक है बना लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं इतनी खुश हुई, शुरू में एक दफा अकाउंट बनाया, थोड़ी वीडियो वायरल गई तो वो थोड़ा सा ना इशू क्रिएट किया फैमिली वालों ने ना, फिर मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया। फिर मैं इतना रोई। फिर उन्होंने कहा फ्राइडे का इंतजार करो ना, मंडे को डिलीट किया, फ्राइडे को कर देना तुम अपलोड फिर से। मैंने फ्राइडे को फिर अपलोड किया, फिर काफी ज्यादा इशू क्रिएट हुआ। लेकिन जब मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू की, शुरू में 400-200 व्यूज आते थे तो नई वीडियो वायरल जाती थी। मुझे कहते थे बनाती रहो, कोई तो होगी जो वायरल जाएगी। तो ये मैंने रात को अपलोड की, 10 बजे मैंने ना अपलोड की ये वीडियो जो हमारी काफी ज्यादा वायरल गई है। तो मैंने सुबह उठ के देखा तो इस पे एकदम से ना काफी ज्यादा वो व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए। मैंने अरसलान को कहा, फिर मेरे पास एक और इस तरह की वीडियो पड़ी थी, हम हनीमून पे गए थे, हमने वीडियोज बनाई थी, तो फिर ये दूसरी डाली वो भी काफी वायरल हो गई। फिर आहिस्ता मेरा अकाउंट सारा वायरल हो गया, फिर मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी सारा। ये जो वीडियो थी अरसलान भाई वाली, वो मेरे ख्याल किसी मरी का आइडिया था? नहीं, ये कहूटा में ना वो नड़ है ना, नड़ हम नड़ गए थे वहाँ पर, हमने बनाई थी ये वीडियो। अच्छा, नड़ वो लिंगों से आगे की तरफ? हाँ जी, आगे की तरफ है जो। अच्छा, तो ये फिर आप लोगों ने की, तो उसके बाद उठाई किसने थी? ये किसी ने किसी और मुल्क से उठाई थी? नहीं, ये हमारी वीडियो थी, कोई बहुत बड़ा पेज था मीम वाला, कोई बाहर शायद वो उसका ही था, बाहर किसी मुल्क का था पेज, उन्होंने मीम बनाई, फिर वहां से काफी ज्यादा मीम वायरल गई। फिर लोगों ने हमसे पूछा हम आपकी मीम्स बना लें, हम आपके फेसबुक पे अकाउंट बना लें, वीडियोज लगा लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने लगाना स्टार्ट की, तो फिर उस लोगों को शुरू में मेरा अकाउंट नहीं मिलता था क्योंकि लोगों को उन्होंने मेरा अकाउंट मेंशन नहीं किया था ना। आपके अकाउंट ऐसे बहुत सारे बने हुए थे, बहुत सारे हैं, तो लोगों को मिल नहीं रहा था। फिर मैंने अब इस पे वीडियो बनाई कि अदन अरसलान 4 के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है और यूट्यूब अकाउंट भी अदन अरसलान के नाम से है। तो फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपने अकाउंट बताया, फिर लोगों को आइडिया हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी अकाउंट इनहैंस। अब तो चैनल मोनेटाइज हो गया होगा आपका यूट्यूब ना? अभी बस होने वाला है इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा और सपोर्ट करें हो जाएंगे जी। 5 हजार अभी 2 हफ्ते हुए। हमारी भाभी जो है ना ये बहुत ज्यादा स्पीडी है भाजी, अरसलान भाई की परवाह नहीं करती है। हाँ, ये निकल गई है भाभी, स्लो इनको मैं कहती थी ना शुरू में, स्लो इनका साबुन बहुत स्लो है। ये शुरू में मेरे ना व्लॉग ही एडिट करते थे, मैं इनकी मिनटें करती थी कर दे, अच्छा कल कर दूंगा, थक गया हूं। मैं कहती थी ऐसे नहीं होता कोई भी, मैं खुद कर लिया। अब मैं करती हूं, मैं एक दिन में 3 दिन व्लॉग डाल देती हूं अपलोड करके। आप पैसे नहीं ना देती फ्रीलांसर को, आपको पता है पैसे मिलते हैं तो फिर काम करते हैं। ये बताए अरसलान भाई कितनी दफा नजर उतारते हैं भाभी की आप दिन में? नजर असल में वो हमारी अम्मी तो उतारती रहती है नजर, हमारी अंडे वो उसके अंडे से नजर उतारती रहती है ना। तो वो मैं कहता हूँ कि वो तो अंडे तो सारे नजर में जाएंगे, तो वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नजर उतरनी चाहिए। भाभी आप कितनी दफा उतारती है सामने की नजर? मैं तो इनको माशाल्लाह नजर नहीं लगेगी क्योंकि मैं इनको नहीं लग सकती नजर, लेकिन वैसे ही माशाल्लाह मैं फिर भी इनकी नजर कभी कभी अम्मी उतारती है हमारी नजर, जो इनकी अम्मी है ना मेरी सास उनको मम्मी कहती है, वो हमारी नजर उतारती रहती है। सास बड़ी जालिम है मैंने सुना। नहीं माशाल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। वो मैंने पिछले दिनों ये लगाया था ना वो यूट्यूब पे व्लॉग देसी घी का पराठा खा रही हूँ, तो किसी ने मुझे कमेंट किया ससुराल में भी देसी घी के पराठे मिलते हैं, कहा मिलते हैं भाई। अरसलान भाई की सास जालिम है? नहीं हमारी बहुत अच्छी है, हमारी अम्मी ख्याल रखती हैं। जब हमारी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने वो कहती थी ना आंटी आंटी आपको नाश्ता बना देती, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं अम्मी कहा करो, आंटी नहीं अम्मी कहा। मैं आंटी कहती थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर अम्मी कहना शुरू होगी, मैं अम्मी कहती हूँ। वाह जी वाह, तभी तो आपके साथ अभी भी माशाल्लाह मेरे ससुर आए हमारे साथ इंटरव्यू देने, क्योंकि लोगों के काफी ज्यादा वो करते हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, मुझसे पूछ रहे होते हैं। दो 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 दुआएं। हां जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह। उनको भी वीडियोस में लेके आए ना, क्यों नहीं लेके आते? बस वो थोड़ा सा होता है नहीं लाजम, मतलब कई वो एतराज, क्योंकि हम तो चलो बच्चे हैं हमारा तो कोई इशू नहीं है ना, लेकिन बड़ों का ये होता है कि थोड़ा फैमिली की तरफ से होता है, तो इस वजह से फिर हम उनको नहीं लाते। अच्छा, दुबई जाएंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले, किस जगह जाएंगे? सबसे पहले मैं दुबई जाऊंगी इंशाल्लाह, पहले मैं वो जो बुर्ज खलीफा नहीं बना हुआ वो जाके वीडियो बनाऊंगी, बुर्ज खलीफा की छत से जाके वीडियो बनाएंगे। नहीं तो जिंदा रहना है मुझे, मरना नहीं है अभी तो, मुझे बहुत कुछ करना है। क्या क्या काम करती है भाभी वैसे? सिर्फ ये वीडियो भाभी जो है वो आपकी जो है वो नाश्ता यानी टाइम पे मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद खाना खाना हो, कोई भी चीज चाहिए हो, चाय हो,
कोई पराठा हो, कोई भी चीज, हर चीज मुझे बिल्कुल टाइम पे मिलती है। गुस्सा करती है? नहीं गुस्सा नहीं करती। कहने नहीं यार भी आश्रय है ना, गुस्सा करती है। नहीं कभी, असल में कभी कभी इंसान हो जाता है चिड़चिड़ा, लेकिन गुस्सा आ जाता, लेकिन मैं ज्यादातर ये मेरी सास ने मुझे एक टोटका बताया, क्योंकि ये जो है ना आप इनको देख रहे के बड़ा अच्छे हैं, ये अच्छे तो माशाल्लाह बहुत है, लेकिन कभी कभी ये ना गुस्सा ज्यादा मेरे गुस्सा ज्यादा मेरे भी थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन हमने ना वो फार्मूला रखा हुआ है कि रात की बात की, वो फिर अगले दिन सब की बात की, बस ये बात तो है। तो क्या सोचा अब फ्यूचर में क्या करना है? फ्रीलांसिंग ही करते रहना है तो यूट्यूब चैनल भी चलाना? अब यूट्यूब की तरफ मैं आऊंगा, क्योंकि वो काम ना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्लाइंट को रिपोर्ट देना सब वो बड़ा मुश्किल काम है। काम क्या है वैसे आपका? मेरा जो है ना ये मार्केटिंग का काम है, ऐप्स मार्केटिंग का। अच्छा 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 हां जी। तो भाभी ये बताएं कि अपना अरसलान भाई वैसे या तो गुस्सा तो करते हैं, तो घुमाते फिराते कितनी दफा है एक हफ्ते में? घुमाते फिराते तो बहुत ज्यादा है, मतलब इनके ही होता है कि चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मतलब जहाँ मैं कहूँ ना वहाँ ले जाते हैं। तो इनका घूमने फिरने का वो मैं यही मैंने एक वीडियो में कहा था कि हस्बैंड कहते हैं घर बैठो, औरत को पर्दे में रखना चाहिए, बीवी को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं लड़कियों का पूरा हक है आजादी का, जो वो करना चाहती है करें। तो वो इन्होंने वही मुझे कहा वीडियोज बनानी है, क्योंकि क्या क्या ख्वाहिश है, बाइक सीखने की मेरी ख्वाहिश थी माशाल्लाह से, मैं वो भी सीख रही हूँ, बस इंशाल्लाह सीख जाऊंगी। मुझे डर लगा रहता गिरना जाए, इतनी सोनी इतनी सोनी बूटी की तो लपांगा जब मैं गिर गई तो मेरी भी यार चोट भी लगी है मुझे। तो ये यही कहते हैं, तो मैं खुश तुम खुश होती हो तो मेरा एक किलो खून बढ़ जाता है, तो मैं इसलिए आटे मस्ती रहती हूँ। लोग मुझे वीडियो में कहा बहुत हस्ती है, मैंने कहा मैं इसलिए हस्ती रहती हूँ, इनका खून बढ़ता रहे। सही बात है, गाल बाल खींचती है वैसे इनके वीडियोस के अंदर? नहीं नहीं इतना नहीं, इतना नहीं करती। अच्छा जी, अभी देखा आपने की कितना कितना जबरदस्त कपल है, और आप लोगों ने उनके साथ बातचीत करनी है ना कोई नहीं, तो हमारी वीडियो के ऊपर आपने कमेंट करना है, अपनी अपने जो पेज बनाया ना हमारी भाभी ने, ये शेयर करेंगी उसको, और उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे जो है ना वो कमेंट्स करनी है, जो बातचीत इनसे करनी है वो कर सकते हैं, और आपने इंटरव्यू भी लेना है तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है, आप कोटे के हैं या नहीं है आपके लिए जो है वो तैयार है, बहुत सारे चैनल इनसे अब रब्ता कर रहे हैं और इनसे जो है ना वो बातें बहुत सारी करते हैं। लेकिन अभी एक चीज मैं पूछना भूल गया कि भाभी ये बताएं कि आप मोहब्बत तो बड़ी करती हैं इनके साथ, अगर कभी जिंदगी में कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई लड़की इनकी जिंदगी में आ जाती है, कोई मैसेज आप पकड़ लेती हैं, कोई चीज पकड़ लेती हैं, जब फोन कभी अल्लाह मैं ट्रस्ट तो बहुत करती हूँ इन पे, लेकिन मैं थोड़ी सी ना शुगली भी हूँ, तो ये फोन मैं अगर बैठ जाऊँ ना कमरे से तो फोन ये यूज टिकटॉक वीडियो ज्यादा बनाते हैं, वो मेंशन मैं पकड़ लेती हूँ क्या कर रहे हैं, मुझे दिखाए किसका मैसेज है, तो मैं ज्यादा ये चीज करती हूँ, मैं रजाई भी छुप छुप के देख रही होती क्या कर रहे हैं, सब कुछ मुझे पता है इनका, लेकिन फिर भी कभी कभी तंग करने के लिए मैं कहती हूँ की अगर कोई लड़की मिल गई तो फिर क्या होगा, कहते नहीं मुझे नहीं मिलती अब, तुम सोचो तुम्हें कोई मिल गया, तो मैंने कहा मुझे कोई नहीं मिल सकता। ये आखिरी है बस ना, ये शादी एक ही अच्छी है। वाह जी वाह, ये है जी अदन और अरसलान, जिनके साथ बहुत सारी बातें हुई, आपने इनसे बातचीत करनी होगी तो अब जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कपल है, मैंने एक बार इनसे कहा था इंटरव्यू के लिए और फौरी तौर पर जो है वो पहुंच गए यहाँ पे, ऐसी ये खूबसूरत जगह है एफटन मरकज जहाँ पर ये इसके सामने एफ नाइन पार्क है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और बड़ी मज़े की बातें पहले भी होती है और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक आपने ज़रूर बताना, अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आप भी कर दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।